अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई एम अरीश फारूक एंड यू पीपल आर वॉचिंग साइंस स्पिरिट चैनल। जी तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको मेरी वीडियो के टाइटल से ही पता चल रहा है कि आज अपनी इस वीडियो में मैं जो डिस्कशन करने वाली हूँ वो मेरिट लिस्ट से रिलेटेड है और मेरिट लिस्ट की डेट से रिलेटेड है। सो उससे पहले, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें और उनके नोटिफिकेशन भी। थैंक यू सो मच। जी तो स्टूडेंट्स, मेरे पास एक्चुअली दो दिन पहले एक नोटिफिकेशन आया था मेरिट लिस्ट की डेट से रिलेटेड, कि जो मेरिट लिस्ट हैं वो फ़िलहाल डिस्प्ले नहीं हो रही, उनकी डेट्स में कुछ चेंजेस आए हैं और कुछ एक्सटेंशन की गई है। इस तरह का एक नोटिफिकेशन मेरे पास आया था और वो नोटिफिकेशन मुझे दो तीन जगह से आया था। और आया कहाँ से था? अनऑफिशियल सोर्सेज से। अनऑफिशियल सोर्सेज से मुराद कि यूँ ही किसी ने फॉरवर्ड किया था, दो तीन लोगों ने मुझे वो नोटिफिकेशन फॉरवर्ड किया था। ना ही ये नोटिफिकेशन यूनिवर्सिटी ने अपने स्टूडेंट्स को, अपने रेगुलर स्टूडेंट्स को ईमेल किया, ना ही ये नोटिफिकेशन टीचर्स के पास आया, ना ही उनको ईमेल की गई और ना ही यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट्स हैं वहाँ पर ये नोटिफिकेशन अपलोड किया गया। टीचर्स भी अभी इस बारे में श्योर नहीं थे, क्योंकि मैं आप लोगों को जैसे पहले बता चुकी हूँ कि ना ही ये नोटिफिकेशन स्टूडेंट्स को ईमेल किया गया, ना टीचर्स को ईमेल किया गया और ना ही वेबसाइट्स पर अपलोड किया गया। अब नेक्स्ट, मेरे से दो तीन दिन से, जब से ये नोटिफिकेशन मुझे भी जाहिर है रिसीव हुआ है, इसी तरह ये नोटिफिकेशन सर्कुलेट होता गया, बहुत से स्टूडेंट्स के पास गया, बहुत से स्टूडेंट्स इनको देखा। अब मेरे से दो तीन दिन से ये क्वेश्चन किया जा रहा है कि क्या ये नोटिफिकेशन रियल है या फेक है। यहाँ पर कॉमेंट्स में भी स्टूडेंट्स मेरे से पूछ रहे हैं कि क्या ये नोटिफिकेशन ठीक है या नोटिफिकेशन ठीक नहीं है। सिमिलरली इसी तरह पर्सनली भी बहुत से स्टूडेंट्स ने मेरे से कॉन्टैक्ट किया और उनका भी यही क्वेश्चन था कि मेरिट लिस्ट कब डिस्प्ले हो रही है, डेट एक्सटेंड हुई है या डेट एक्सटेंड नहीं हुई। देखें स्टूडेंट्स, मैं अपने चैनल पर ऐसी कोई भी बात आप लोगों के साथ शेयर नहीं करती, ऐसी कोई भी इन्फॉर्मेशन अपलोड नहीं करती जब तक कि मैं उस मैसेज को, उस बात को, उस इन्फॉर्मेशन को 100% खुद कंफर्म ना कर लूँ। इन शॉर्ट, ये कि सिर्फ वही इन्फॉर्मेशन शेयर की जाती है जो ऑफिशियल वे से मेरे पास आती है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन के ज़रिए, ऑफिशियल मेल्स के ज़रिए आती है, और जिस बात को मैं 100% खुद कन्फर्म ना कर लूँ तब तक वो बात आप लोगों के साथ शेयर नहीं की जाती। और ये जो नोटिफिकेशन था और ये जो डेट एक्सटेंशन की बात थी, इसको कंफर्म करना भी ज़रूरी था, यूं ही आप तक डिलीवर करना वाज नॉट गुड, क्योंकि जैसे कि मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि कोई भी ऑफिशियल ईमेल इसके हवाले से रिसीव नहीं हुई थी। इवन अभी तक ऐसा कोई भी नोटिफिकेशन ईमेल्स के थ्रू, ऑफिशियल ईमेल्स के थ्रू ना तो रेगुलर स्टूडेंट्स के पास आया है, ना टीचर्स के पास आया है, और ना ही वो स्टूडेंट्स जो कि एप्लीकेंट्स हैं जिन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात में अप्लाई किया हुआ है, ना उनको इस तरह की कोई ईमेल रिसीव हुई है और ना यूनिवर्सिटी की तरफ से उनको इस तरह का कोई मैसेज रिसीव हुआ है। और अभी तक जो ऑफिशियल एडमिशन कैलेंडर भी वेबसाइट्स पर शेयर किया गया है और ईमेल्स के थ्रू हमारे साथ शेयर किया गया है, वो ऑलरेडी मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर चुकी हूँ, उसमें जो डेट मेंशन थी फ़िलहाल वो डेट थी 7 सितंबर फर्स्ट मेरिट लिस्ट की। खैर, ये जो नोटिफिकेशन है जो कि दो तीन दिन से सर्कुलेट किया जा रहा है और जिसमें ये बात मैंशन है कि जो मेरिट लिस्ट की डेट्स हैं वो एक्सटेंड कर दी गई हैं, उस नोटिफिकेशन को मैंने अपने तौर पर एक दो ऑफिशियल वे से कंफर्म किया है और जो फ़िलहाल न्यूज़ मुझे मिली हैं, जो अपडेट्स मुझे मिली हैं, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूं। और इसके अलावा वो जो नोटिफिकेशन है जो सर्कुलेट किया जा रहा है वो भी मैं आप लोगों को दिखा देती हूं। जी तो स्टूडेंट्स, ये है वो नोटिफिकेशन जो दो दिन पहले मेरे पास भी आया और इसी तरह बहुत से स्टूडेंट्स के पास ये फॉरवर्ड हुआ। जी तो स्टूडेंट्स, ये नोटिफिकेशन आपके सामने है, इसमें जो बात मेंशनड है वो ये है कि जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट है वो, जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि वो 7 सितंबर को डिस्प्ले होना थी, यहाँ पर मेंशनड है कि अब वो 7 सितंबर को डिस्प्ले नहीं होगी बल्कि इंटरमीडिएट के रिजल्ट का जब ऑफिशियल अनाउंसमेंट होगा उसके 4 दिन बाद डिस्प्ले की जाएगी। सो ये था वो नोटिफिकेशन जिसने स्टूडेंट्स को भी कंफ्यूज किया हुआ था और जो दो तीन दिन से स्टूडेंट्स के पास सर्कुलेट भी हो रहा है। अब मैं आप लोगों को एक और नोटिफिकेशन दिखाती हूँ जो गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया है। अब इस नोटिफिकेशन में मैट्रिक के रिजल्ट्स की डेट्स मेंशनड हैं और इंटर के रिजल्ट्स की मेंशनड हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि चेयरपर्सन की मीटिंग हुई थी और कुछ डेट्स डिसाइड की गई थी। इसमें इंटर के रिजल्ट्स की जो डेट दी गई है वो है 17 सितंबर और जो टाइमिंग यहाँ पर मेंशन है वो है 5:00 PM, यानी कि 17 सितंबर को 5:00 PM इंटर का जो ऑफिशियल रिजल्ट है वो अनाउंस किया जाएगा। सो जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि वो जो नोटिफिकेशन था जिसमें ये मेंशन है कि इंटर के रिजल्ट के बाद मेरिट लिस्ट डिस्प्ले होगी, उस नोटिफिकेशन को मैं अपने तौर पर एक दो ऑफिशियल वे से कन्फर्म कर चुकी हूँ और फिलहाल जो मेरे पास न्यूज़ आई है वो यही है कि मेरिट लिस्ट कल डिस्प्ले नहीं हो रही। गवर्नमेंट ने अचानक ही जो डिसीजंस लिए हैं उन डिसीजंस की वजह से जो मेरिट लिस्ट की डेट्स हैं उनको भी थोड़ा सा एक्सटेंड किया गया है, उनमें भी थोड़े से चेंजेस आए हैं। फिलहाल यही अपडेट्स थी, यही न्यूज़ थी जो कि मैंने अपने तौर पर कंफर्म की हैं। ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है यूनिवर्सिटी की तरफ से, ऑफिशियल ईमेल, वो फिलहाल अभी तक भी स्टूडेंट्स को रिसीव नहीं हुआ। बाकी इसके अलावा और भी कोई न्यूज़ या कोई अपडेट्स शेयर नहीं की गई, ना रिवाइज्ड कैलेंडर दोबारा से आया है, ना डेट्स अपडेट होकर आई हैं।
कि तमाम मेरिट लिस्ट एग्जैक्ट किस डेट को डिस्प्ले हो रही हैं और उसके हिसाब से जो फीस सबमिशन की डेडलाइंस हैं वो क्या हैं, इस हवाले से अभी कोई भी अपडेट्स नहीं आई, कोई भी डेट्स अपडेट होकर नहीं आई। तो फिलहाल मेरे पास खुद भी यही अपडेट्स थी जो कि सारी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। जो भी न्यूज़ थी, जो भी अपडेट्स थी, वो मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। और बाकी अब कल 7th of September है और जो डेट दी गई थी फर्स्ट मेरिट लिस्ट की वो 7th of September की थी। कल फर्दर कन्फर्मेशन भी इस हवाले से हो जाएगी मेरिट लिस्ट के हवाले से कि मेरिट लिस्ट डिस्प्ले होती है या नहीं होती, और अगर ना हुई तो जो भी इन्फॉर्मेशन मेरे पास आई, जो भी फर्दर अपडेट्स आई या रिवाइज डेट्स मेरे पास आई, जो भी इस हवाले से अपडेट्स आई, वो इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। कि आप लोगों को पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फिलहाल जो कंट्री की करंट सिचुएशन जा रही है इसके हवाले से एडमिशन्स होना ही बहुत बड़ी बात है। कि गवर्नमेंट के डिसीजंस के अकॉर्डिंग यूनिवर्सिटी इंशाल्लाह अपना बेस्ट ही देगी, और वो लोग जिनको मेरी बात से सेटिस्फेक्शन होती है उनके लिए मैं भी यहीं पर अवेलेबल हूँ। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो, तो आप लोग मेरे से शेयर कर सकते हैं। बाकी नेक्स्ट फर्दर मेरे पास कोई भी अगर न्यू अपडेट्स आती हैं उसको कंफर्म करने के बाद, 100% कंफर्म करने के बाद इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी। बाकी इन टच रहें, और अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच।